नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने रामगंज मंडी नगर के कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में सरकार आपके द्वार जन समस्या समाधान शिविर आयोजित किया। शिविर में अपने विधायक दिलावर को समस्याएं बताने के लिए स्थानीय लोगों की भारी भीड़ लगी रही। लोग सड़क, पानी, जाति प्रमाण पत्र आदि समस्याओं को लेकर मंत्री से मिलने पहुंचे। दिलावर ने एक एक कर बारी बारी से सभी को सुना और मौके पर उपस्थित संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर समस्याओं का निस्तारण करवाया। दिलावर ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे समस्या समाधान शिविर बेहद सफल साबित हो रहे हैं। अब तक अलग अलग जगह पर 8 शिविर आयोजित किए जा चुके, जिनमें स्थानीय निवासियों को अपनी समस्याओं से निजात मिला है। छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोगों को जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता है, जहां अधिकारी कोई ना कोई कमी निकालकर परिवादी को टरका देते हैं। लोगों को अनावश्यक परेशानी होती है। इन शिविरों के माध्यम से आमजन को उनके घर पर ही सरकार लाकर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आमजन भी आसानी से अपने छोटे छोटे काम करवा पा रहे हैं, इसलिए शिविर खासे लोकप्रिय हो रहे हैं। कृषि उपज मंडी के शिविर में कुल 360 परिवाद मिले, जिनका अधिकारियों ने मंत्री दिलावर के निर्देश पर समाधान किया। अरे मेरे काका जी, मैं कह रहा हूँ इस महकमे में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। मेरे अपने एक मुख्यमंत्री जी होते कहीं भी रह रहे हो, मेरी बात को सुन लो। ये बगराम पंचायत दूर नहीं है, सारा रिकॉर्ड आपकी पंचायत में मुझे होता है, आकर के मालूम करो। अरे मेरे काका जी, मैं कह रहा हूँ पंचायत में सारा रिकॉर्ड है, देख लो। ये भी वहाँ रह रहे थे, वहाँ पट्टा दिया हुआ था, नहीं देना, लेकिन वहाँ ये पट्टा नहीं था तो यहाँ देना है। मेरा समझ यही मैं कह रहा हूँ कि पट्टा तो पूरी बात को सुना करो तो मिल जाएगा, ये आप जाओ। मंडी भी है, दूसरी चीजें भी है, जगह नहीं वहाँ तो मोड़क को बना दो। चेचट में ज्यादा जगह में सब कमेटी के अध्यक्ष आप है तो फिर क्या, आप भगवान है। नहीं, इस प्रकार का दरबार भी आप जैसे एमएलए लगाते हैं, अन्यथा इतने एमएलए निकल गए यहाँ से, किसी ने ऐसा दरबार नहीं लगाया तो आप भगवान ही हो जनता के लिए। अब मेरी बात सुनो, बहुत बोलने से अब बोलना बंद करो। अब मेरी बात सुनो, मैं सचे की इसे समिति का अध्यक्ष, लेकिन मैं जो जिले बन गए हैं उनमें से कौन कौन सा जिला रखना है, कौन कौन सा नहीं रखना है, इस समिति का अध्यक्ष मैं। जिस दिन नए जिले में आने और की अध्यक्षता मिलेगी उस दिन मेरे विधानसभा क्षेत्र के पक्ष में नहीं बोलूंगा, तो फिर मेरे जो है पार्टी द्वारा होगा। बहुत अच्छी बात है। तो अभी मेरे पास ये जो 17 जिले बने हैं, तो कुछ जिले से मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो प्रेस में जाएगा तो वहाँ के लोग ज्यादा लग जाएंगे, पर जो बहुत ही छोटे जिले हैं दूध जैसा जरा सा जिले हमने नाम में ले रखा है, हम ले रहे हैं। एक जिला बनने की मानदंड होनी चाहिए, उसमें वो देखेंगे उसमें से कितने जिले रख सकते हैं और अटिंग पर अभी उसको जोड़ने वाले नहीं आप।
आपका व्यसन प्राप्त हो गया, सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। धन्यवाद।